बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय दो और हम पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत विभव और धारिता। इसमें हमने प्राविद्युत माध्यम और प्राविद्युत पदार्थों के बारे में पढ़ा और वहाँ हमने देख लिया था कि प्राविद्युत क्या होते हैं, प्राविद्युत क्या होते हैं, ध्रुवण के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा वहाँ पे हमने कर ली थी। आज विशेष चर्चा करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा ध्रुवण। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं, आप हेडिंग डालिए ध्रुवण पोलराइजेशन। ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं किसी भी प्राविद्युत पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लाते हैं तो उसमें क्या होता है, आघूर्ण आ जाता है, परिणामी आघूर्ण प्राप्त होता है। और ये परिणामी आघूर्ण प्राप्त होना ही क्या होता है, ध्रुवण कहलाता है। आघूर्ण का मतलब क्या होता है, घूमना, घूमना, तो उसमें घूमने लग जाता है तो ध्रुवण, ध्रुवण का मतलब होता है प्लस, एक तरफ हो जाता है माइनस, एक तरफ हो जाता है। इसकी चर्चा हमने कर ली थी, आज और देखते हैं। सबसे पहले ये रहा अपने पास ध्रुवण में, अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्राविद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना प्राविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं यदि हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ध्रुवण क्या होता है। फिर बात करें कि रेखीय संदेशिक प्राविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो इसकी भी परिभाषा पूछी जा सकती है। वे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या हो, समानुपाती हो और साथ में ही क्या हो, उसके अनुदिश हो, वो क्या कहलाएंगे, रेखीय संदेशिक प्राविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और आज का जो अपना लेक्चर है इन दो पर ही आधारित है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन अपने को आनी चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं ध्रुवण सदिश क्या होता है। ध्रुवण सदिश जिसको मैं P से रिप्रेजेंट करूँगा, P से क्यों, ध्रुवण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन का हमने क्या किया, P ले लिया। ठीक है, पोलराइजेशन का क्या ले लिया, P ले लिया। तो ये अपने पास है प्रेरित जो द्विध्रुव आघूर्ण है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र E की दिशा में होता है। ठीक है, जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होता है, बाह्य जो विद्युत क्षेत्र है E की दिशा में आता है। अपन ने वहाँ देखा था E वेक्टर P वेक्टर दिखाया था आपको, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये E की दिशा में होता है, E के क्या होता है, समानुपाती भी होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण है P क्या होता है, याद है ना आपको, Q इंटू D आवेश और बीच की दूरी होती है गुणनफल में, ये किसके समानुपाती होता है, E के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो उसमें क्या होंगे, आवेश, जो आपका द्रव्यमान केंद्र वाले आवेश थे ना, आपने देखा था उस चित्र में, इससे पहले वाले वीडियो में चित्र में देखा था कि इस तरह था, कोई प्लस था, ये माइनस था, अपनी मर्जी से बैठे हुए थे, है ना, अपनी मर्जी से क्या थे, अव्यवस्थित थे इधर, और इससे क्या हो रहा था, अपनी मर्जी से अव्यवस्थित होने के कारण नेट जो अपने पास ई आ रहा था वो क्या आ रहा था, ई तो था ही नहीं अपने पास, जीरो आ रहा था। पी भी क्या हो रहा था, जीरो आ रहा था। लेकिन हम क्या करें, इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो ये क्या होगा, संरेखित होने का प्रयास करते हैं, और जितना ज़्यादा आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे उतनी जल्दी क्या होगा, संरेखित हो जाएगा। और ये संरेखित होना ही क्या था, आपका ध्रुवण था। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम विद्युत क्षेत्र देंगे उतना ही क्या होगा, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर, ये बात भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप ये चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। अगर परिभाषा देना चाहते हैं तो हम ये परिभाषा देंगे, हमसे पूछ ले परीक्षा में कि ध्रुवण सदिश क्या होता है, तो आप ये कहेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, या बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तब, है ना, पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न, एकांक आयतन भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, हम एकांक आयतन भी बोल सकते हैं, इकाई आयतन बोल लो या एकांक आयतन बोल लो, मतलब तो एक ही होता है ना, तो आप एकांक आयतन भी बोल सकते हैं। एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी, समझ गए यहाँ तक। चलिए, जब आप ये बात समझ चुके हैं तो आप इसको बता भी सकते हैं, इसको हमने क्या किया, P से व्यक्त करते हैं, और P किसके बराबर होगा, आपने कहा एकांक आयतन किसके लिए, प्रेरित आघूर्ण के लिए, तो ये हो जाएगा अपने पास P वेक्टर बराबर P वेक्टर बटा V। यहाँ ध्यान देना, ये जो P है ना, ये किस, इस P का मतलब है आघूर्ण, ये कौन सा P है, ये आघूर्ण वाला P है, ये ध्यान रखना, और ये वाला P कौन सा है, ये ध्रुवण वाला P है। वैसे समझाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, एक बड़ा P ले रखा है और एक छोटा P ले रखा है,
समझाने के लिए अपन ने ये ले रखा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी बात हो गई, इससे क्या हो गया कि जितना आप विद्युत क्षेत्र देंगे, जितना हम क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र देंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा ध्रुवण होगा, पोलराइजेशन क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब इसको हटाऊंगा समानुपाती का निशान हटाऊंगा, ये कब लगता है? रेखीय समदेशिक प्राविद्युत पदार्थों के लिए लगता है। जब हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बताइए, एक नियतांक लेते हो समानुपाती का, जब हम निशान हटाते हैं, चिन्ह को हटाते हैं, तो क्या होता है एक नियतांक लेते हैं ना भाई। जैसे आपके पास ये है x समानुपाती y है, तो अपन यूँ लिखते हैं ना x बराबर के वाई, है ना। और ये k क्या होता है, k x बटा y होता है, इनका अनुपात होता है। और इस k को क्या कहते हो आप, इस k को हम कहते हैं अचर है। ये क्या है, अचर है या फिर नियतांक है, ये शब्द कहते हैं हम, है ना। ऐसा ही जब यहाँ पे मैं समानुपाती का निशान हटाऊंगा, समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा, तो यहाँ पे ये निशान लगेगा, ठीक है। इस निशान को हम पढ़ते हैं काई, ठीक है। एक्स नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया हुआ है, इसको हम क्या पढ़ते हैं काई पढ़ते हैं। और ये जो काई होता है ये क्या होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति होती है। पदार्थ की क्या होती है, विद्युत प्रवृत्ति होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है, तो आप इस सूत्र से बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, पदार्थ की क्या है, विद्युत प्रवृत्ति है, ठीक है। यानी पदार्थ की ध्रुवता का क्या है, ये मापक है। इससे हम क्या करते हैं, कितना ध्रुवण हुआ उसको मापते हैं। ध्रुवता का क्या हो गया, ये मापन हो गया। और ये एक विमाहीन राशि होती है, इसकी स्वयं की कोई विमा नहीं होती है, समझ गए। कुल मिला के हमने ध्रुवण को मापना भी सीख लिया। ध्रुवण क्या होता है ये चीज़ हमने देख ही ली। थोड़ा और स्पष्ट करना चाहें तो पिछला वाले वीडियो देखें, वहाँ पे भी बताया गया, पूरा एक्सपेरिमेंट करके अच्छी तरह समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, उसके कुछ टॉपिक्स लिए। सवाल ये उठता है कि अपने से पहले वाले जो वीडियो देखा ना, वहाँ पे हमने प्राविद्युत माध्यम की बात की, प्राविद्युत पदार्थ की बात की, ना ये अपने क्या काम आते हैं भाई, ये काम क्या आते हैं। हालांकि कुचालक पदार्थ तो थे नहीं, कुचालक नहीं थे, क्या थे, अपन बेड कंडक्टर कह सकते हैं। प्राविद्युत पदार्थ को क्या कर सकते हैं, बेड कंडक्टर कह सकते हैं, बेकार वाला चालक कह सकते हैं, क्योंकि क्या करता था वो, विद्युत का प्रभाव प्रदर्शित करता था, ना। इसलिए आप बेड कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, है ना, चालक। कंडक्टर जानते हो, गाड़ी को जो चलाता है उसको भी चालक ही कहते हो, इसलिए चालक जो अपना फिजिक्स वाला है उसको अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, और कुचालक को इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्राविद्युत को क्या कहते हैं, प्राविद्युत को बताया था डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो जो डाइलेक्ट्रिक है बेड कंडक्टर जैसा होता है, कुचालक तो होता है लेकिन क्या होता है, इसमें विद्युत प्रभाव रखता है, बेड कंडक्टर बोल सकते हैं इसको। ये अपने काम क्या आता है, ये अपने क्या होगा, काम क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए आप कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में प्राविद्युत माध्यम का प्रभाव कैसा होता है। यानी कोई अपने पास बाह्य विद्युत क्षेत्र है, वहाँ पर मैं क्या करूँ, प्राविद्युत माध्यम ला दूँ या प्राविद्युत पदार्थ भर दूं, तो विद्युत क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, इसका जानने के लिए यह है अपना टॉपिक। तो आपने कॉपी में लिख लिया होगा, हेडिंग डाल दिया होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में प्राविद्युत का प्रभाव। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक आयताकार समांतर फलक वाला प्राविद्युत माध्यम पर विचार करते हैं, ठीक है। यह है अपने पास, ये क्या है अपने पास, आयताकार है और प्राविद्युत है ये, ठीक है। प्राविद्युत माध्यम मान लें या फिर प्राविद्युत क्या कहें आप, पदार्थ बोल लें, ठीक है। इसको क्या किया हमें, इसने क्या बाह्य क्षेत्र ई जीरो में रख दिया, या तो इसको हमने क्या किया, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई जीरो में रख दो, या इसके पास क्या करो, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई जीरो ले आओ। जैसा कि ये देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना, ये आयताकार है अपने पास, प्राविद्युत है, और इसको क्या किया है, ध्रुवित किया गया है, ध्रुवित कर लिया अपन ने। कैसे ध्रुवित हुआ, जब आप इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में लेके आए, यहाँ पे अपन लेके आए हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ध्रुवित हो गया, समझ गए बात को। यहाँ पे आप देख रहे हो चित्र में आपको नज़र आ रहा है प्लस और माइनस, हटा दें इस पीले पीले निशान को जो साफ दिख जाए आपको चित्र। यहाँ पे चित्र में हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है ये संरेखित है, ना संरेखित, ये क्या है अपने पास, द्विध्रुव आघूर्ण बन गए, और ये क्या नज़र आ रहा है आपके पास, संरेखित है। संरेखित का मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, एक सीधी लाइन में बना हुआ है। तो ये अपने पास संरेखित है, ये बात तो अपने पास समझ में आ गई। साथ में आपको यहाँ पे सिग्मा पी और सिग्मा क्यू भी दिखाया गया, तो इसका मतलब भी आप अच्छी तरह जानते हैं।
इसमें जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र ला रहे हैं तब क्या देख रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल एक का प्लस क्या हो रहा है, दूसरे वाले के माइनस के बिल्कुल निकट आ जा रहा है। एक का प्लस क्या हो रहा है, दूसरे वाले के माइनस के क्या हो रहा है, बिल्कुल निकट आ जा रहा है। ऐसा होने से क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन खींच लें, अपन क्या करें बीच में एक लाइन खींचें, आपको एक लाइन खींच के दिखाऊं। जैसे मान लो ये मैंने लाइन ले ली, यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक लाइन ले ली, सेपरेशन ले लिया, इधर से एक लाइन ले लिया और इधर से भी हम क्या करते हैं एक लाइन और ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अंदर वाले क्षेत्र की बात करें, अगर हम अंदर वाले क्षेत्र की बात करें तो क्या देख रहे हो, ये प्लस माइनस को निरस्त कर देगा, कर देगा क्या, ये वाला प्लस क्या होगा, माइनस को कर देगा, ये प्लस माइनस को, ये प्लस माइनस को, अंदर तो क्या होंगे आपस में एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, अंदर तो क्या होंगे आपस में एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। बाहर की तरफ इधर की ओर तो क्या आ गया, आप देख रहे हो यहाँ पे तो क्या हो गया, सारे क्या हो गए, माइनस के आ गए। उस हाथ पर यहाँ देख रहे हैं सारे के सारे क्या आ गए, प्लस के आ गए, यानी एक तरफ तो क्या हो गया माइनस का आ गया और एक तरफ क्या हो गया प्लस का आ गया, समझ रहे हो, एक तरफ तो क्या हो गया माइनस का आ गया और एक तरफ क्या हो गया प्लस का आ गया, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, इसके अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे अपन ने यहाँ पे ईपी से दिखा रखा है, ईपी से दिखा रखा है, लेकिन इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, उसका ये क्या करता है, विरोध करता है, उसका ये क्या करता है, विरोध करता है। तो फाइनली आप देखोगे तो यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र तो ई जीरो था और एक विद्युत क्षेत्र और आ गया ईपी, तो पूरे सिस्टम का अगर अपन तुलनात्मक दृष्टि से देखें, रिजल्ट वाला देखें कि परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, तो आप देखोगे परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, पहले तो ई जीरो था, अब उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है तो माइनस हो रहा है ना, कम कर रहा है, तो अपना परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ई जीरो माइनस ईपी हो गया। ई जीरो माइनस ईपी बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया। तो कुल मिला के एक बात मेरे समझ में आ गई कि जहाँ पे हम पराविद्युत माध्यम रख देते हैं, यदि हम यहाँ क्या करें पराविद्युत माध्यम को रख दें या किसी भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में आप पराविद्युत माध्यम रख देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, परिणामी जो है आपका विद्युत क्षेत्र उसका मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आप कहाँ पे यूज करोगे पराविद्युत माध्यमों का प्रयोग, जहाँ पे हमें क्या करना हो, विद्युत क्षेत्र कम करना हो, वहाँ पे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए इसको लिख भी लेते हैं अपन, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में पराविद्युत माध्यम का प्रभाव को समझाइए, अथवा ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि पराविद्युत माध्यम किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो विद्युत क्षेत्र के मान को क्या करता है, कम कर देता है, ये सिद्ध करना हो। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि स्पष्ट कीजिए कि पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान पूर्व की भांति क्या होता है, कम हो जाता है, पूर्वत की तुलना में क्या होता है, कम होता है, यानी निर्वात में विद्युत क्षेत्र और माध्यम में विद्युत क्षेत्र है तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा और पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, सत्यापित कीजिए। इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं अपने से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना देंगे, चित्र बना देंगे और बाद में ये लिख देंगे कि आयताकार समांतर फलक वाले प्राविद्युत माध्यम लेते हैं जिसे बाह्य विद्युत क्षेत्र ई जीरो में रखते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है वो लिख देंगे कि इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण प्राविद्युत पदार्थ में क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, यानी क्या होंगे, सीधे होने लग जाएंगे, संरेखित होने लग जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, जब ये संरेखित हो जाएगा तो इसके कारण एक द्विध्रुव के धन आवेश क्या होगा, एक द्विध्रुव के धन आवेश अपने से संलग्न, अपने से संलग्न मतलब उसके पास में जो रखा हुआ है ना, उसके क्या होगा, द्विध्रुव के ऋण आवेश के निकट हो जाता है, ऋण आवेश के क्या होता है, निकट हो जाता है, परिणाम स्वरूप दाएं पृष्ठ पे, दाएं पृष्ठ का मतलब आपने जो चित्र बनाया है उसके हिसाब से देखना, आपका दायां बायां बदल सकता है, हमने ये चित्र बनाया है तो दायां देखिए इस हाथ पे, इधर देख रहा हूँ ना, इस हाथ पे जो सीधा हाथ होता है वो क्या होता है, दायां होता है, तो इस हाथ पे प्लस आ गया और इस हाथ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। ऐसा ही बनाओगे तब, अगर आप कन्फ्यूज हो जाए दाएं बाएं के लिए तो आप लिख देना केवल एक तरफ तो प्लस आ जाता है और एक तरफ क्या होता है, माइनस आ जाता है, ये भी लिख सकते हैं, है ना, उल्टा मत लिखना, लेकिन दायां बाएं को क्या करें आप, उल्टा मत लिखना, आपको दायां बायां समझ में नहीं आता तो आप सीधा लिख देना, परिणाम स्वरूप एक पृष्ठ पर धन आवेश तथा दूसरे पृष्ठ पर ऋण आवेश आ जाता है, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिलहाल तो मुझे पता है दायां पृष्ठ, आप भी जानते हैं, तो अपन लिख देते हैं परिणाम स्वरूप दायां पृष्ठ पर धन आवेश और बाएं पृष्ठ पे क्या होता है, ऋण आवेश समान रूप से क्या होते हैं,
वितरित हो जाते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। और एक दूसरी भाषा में इसको प्रेरित आवेश भी कह सकते हैं। आवेश क्या हो गए, प्रेरित हो गए ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रेरित आवेश भी कहते हैं। ठीक है, साथ में हमने देखा कि वो जो फलक थे अपने पास उसमें कोई नेट आवेश आया था क्या, बीच में जो आवेश था वो सारे क्या हो गए थे, जीरो हो गए थे। तो आप ये भी लिख देंगे कि फलकों के मध्य कोई भी नेट आवेश नहीं होता है। नेट आवेश समझ गए ना, जोड़ने के बाद सिग्मा क्यू जीरो आता है, चिन्हों का ध्यान रखते हुए आवेश को जोड़ते हैं तो सिग्मा क्यू का मान क्या आता है, जीरो आता है। तो उसके मध्य क्या है, कोई भी नेट आवेश नहीं होता। अब उसके मध्य आवेश नहीं है तो ये जो अपने प्रेरित आवेश हैं, जो प्रेरित आवेश हैं उसको हम क्या करेंगे, प्रेरित आवेश घनत्व सिग्मा पी और सिग्मा पी माइनस का, एक तो प्लस का सिग्मा पी एक माइनस का सिग्मा पी से रिप्रेजेंट कर देंगे कि भाई पृष्ठ पे जो आवेश घनत्व है एक तरफ तो उस तरफ तो क्या है सिग्मा पी हो जाएगा और इस तरफ क्या होगा माइनस का सिग्मा पी होगा। इधर प्लस वाले की तरफ सिग्मा पी और माइनस वाले की तरफ क्या होगा माइनस का सिग्मा पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक बात हो गई। फिर अपने को बताना है इन प्रेरित आवेशों के कारण क्या होता है आंतरिक विद्युत क्षेत्र, क्या होता है आंतरिक विद्युत क्षेत्र ईपी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही गया, ई पी यानी प्रेरित से लिया हुआ है मेरा, है ना, इसलिए आपको समझ में आ जाए। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है ईपी उत्पन्न हो जाता है, बताया था ये। इसके बारे में और क्या बताया आपको, इसकी दिशा बताई, इसकी दिशा क्या बताई आपको, विपरीत होती है, है ना, इसकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है किसके, बाह्य विद्युत क्षेत्र की, यानी क्या होगी इसकी दिशा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। वो जो अपने पास ई जीरो की दिशा है, ई जीरो की दिशा जो बाह्य विद्युत क्षेत्र बोल रहे हो उसकी दिशा क्या है, माइनस से प्लस की ओर है। और आपका जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है ईपी जो कि अंदर की ओर हुआ है, जिसको मैंने आंतरिक विद्युत क्षेत्र भी कहा है, इसकी दिशा क्या हो गई, इसकी दिशा क्या हो गई, इसकी दिशा आपकी प्लस से किधर की ओर हो रही है, माइनस की ओर हो रही है। ठीक है, इसकी दिशा क्या हो रही है अपने पास, प्लस से यानी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे की दिशा क्या है, विपरीत है ना। तो ये चीज़ भी हम बता देंगे कि यह विद्युत क्षेत्र ईपी जो आप इस ईपी की बात कर रहे हैं, है ना, यह विद्युत क्षेत्र ईपी सदैव क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई जीरो की दिशा के विपरीत होता है, है ना, उसकी दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। जैसा कि अपन ने क्या किया, डायग्राम में दिखा रखा है, चित्र में दिखा रखा है। अब चित्र के हिसाब से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। तो परिणामी निकालोगे तो परिणामी आपका ये हो जाएगा ई बराबर क्या हो गया, ई जीरो माइनस ई पी। चाहे तो वेक्टर लगा के भी लिख सकते हैं, अगर सदिश की बात करें तो हम वेक्टर लगा के भी दिखा सकते हैं, ई वेक्टर बराबर ई जीरो वेक्टर माइनस ई पी वेक्टर। भाई ऐसे तो निकालोगे, दिशाएं क्या है, विपरीत है ना, इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है, विपरीत है तो घटेंगे और एक जैसी दिशा होती तो क्या होते, जोड़ते हैं। तो इनके दिशाएं विपरीत है इसलिए हमने क्या किया, इसको घटा दिया। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखो ई जीरो में से ई पी घटा रहे हो, घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घटाएंगे तो क्या हो गया, मान कम हो रहा है ना। बस इसी चीज़ को लिखना है कि स्पष्ट है कि पराविद्युत माध्यम के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ये पराविद्युत माध्यम नहीं होता, निर्वात होता, तो वहाँ पे जो ई था मेरा किसके बराबर था, ई जीरो के बराबर था। जब निर्वात था तो ई क्या हो गया, ई जीरो के बराबर हुआ, और जब मैंने पराविद्युत माध्यम रखा तो ई मेरा क्या हो गया, देख रहे हो, ई क्या हो गया, ई जीरो माइनस ई पी हो गया, ई जीरो माइनस क्या हो गया, ई पी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि यदि हमें कहीं विद्युत क्षेत्र कम करना है, यदि हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र को कम करना है, उसकी तीव्रता कम करनी है, तो वहाँ पे हमें क्या कर देना चाहिए, पराविद्युत माध्यम रख देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, पराविद्युत माध्यम को रख देना चाहिए। समझ रहे बात को, जैसे मान लो ये दो हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र हैं दो, ये आपस में चिपक रहे हैं, बीच में क्या करूँगा, एक पराविद्युत माध्यम रख दूंगा, तो इनकी तीव्रता क्या होगी, कम हो जाएगी, और इसको क्या करेंगे, इस पराविद्युत माध्यम को भी चिपकाए रखेगा वो। तो कई जगह ऐसे काम में आते हैं, कुछ बहुत सारे उपकरण हैं, वहाँ पे हमें क्या करना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम करनी होती है, तो वहाँ पे ये आपका पराविद्युत माध्यम क्या होता है, काम आता है। तो परीक्षा में एक प्रश्न बन सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पराविद्युत माध्यम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम कैसे होती है। भाई कम हो जाती है तो रट लोगे आप,
कि प्राविद्युत माध्यम रखेंगे विद्युत की तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन वास्तव में कम कैसे हुआ ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। परीक्षा में ये चित्र जरूर बना के आना, चित्र के बारे में आपको क्या है समझा के भी आना है कि कारण यही है। ऐसा कारण आपने पहले भी देखा होगा, बार बार यही चीज़ चल रही है ना, ये तो आपस में क्या हो रहे हैं, निरस्त हो रहे हैं, इधर माइनस आ रहा है उधर प्लस आ रहा है, कभी हम भू संपर्क में लेते हैं कभी कहाँ लेते हैं, और यही चीज़ वापस क्या होगा आपके, ये कंसेप्ट वापस से धारिता में फिर बैठेगा। तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेना, धारिता में भी क्या होगा, अगला जो अपन अध्याय तो नहीं, अगले जो पाठ पढ़ेंगे वहाँ पर धारिता आएगी, अगले भागों में क्या होगी धारिता आएगी, है ना, संधारित्र आएगा, भाई टॉपिक का नाम तो यही है, तो वो वाला भी चलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों ये है कि आज हमने जो अपना पाठ का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता, तो विभव को हमने कंप्लीट कर लिया, अपना क्या हो गया विभव आज कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़ने के लिए आगे हम पढ़ेंगे धारिता के बारे में कि धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ काम आता है, तो उसके लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।